हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास एलेवेंथ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर या एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर ओ टू माइनस एक्स स्क्वायर का सोलूशन सो so, इसकी डोमेन आ रही है ओपन इंटरवल में माइनस टू टू प्लस टू मुझे थोड़ी सी यहाँ पे इसके सल्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एरर लग रही है इसलिए आइए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं देखते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन कैसे बनेगा ठीक है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है एफ एक्स इक्वल्स टू टू माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है देखिए एफ एक्स के डिफाइंड होने के लिए टू डिफाइन एफ एक्स ये रूट के अंदर की चीज़ जो होनी चाहिए दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है ना नहीं बेटा अगर आपने इक्वल कर दिया है तो आपको वहीं तुरंत जीरो मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है ना अगर आपने इक्वल टू किया है तो आपको जीरो मिल जाएंगे हाँ ये देखिए जैसे यहाँ पर आपने अपने सोल्यूशन में इक्वल सो टू कर दिया है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये पूरा गलत हो गया आपको मिलेंगे यहाँ जीरो आउट ऑफ टू ठीक है आंसर क्या बोल रहे हैं बेटा आंसर सही आने के बावजूद आंसर आपका गलत आया है चेक करिए आप मैं करा रहा हूँ देखिए टू डिफाइन एफ एक्स ये रूट के अंदर की क्वांटिटी टू माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर जीरो ग्रेटर देन जीरो इक्वल नहीं आएगा बिकॉज वन अपॉइंट ज़ीरो इन्फिनिटी आ जाएगा सो एक्स स्क्वायर माइनस टू मैंने माइनस तेन का मल्टीप्लाई कर दिया लेस देन जीरो ओके सो एक्स स्क्वायर लेस दैन टू हो जाएगा और एक्स स्क्वायर लेस देन मैंने बताया था आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट टू का होल स्क्वायर क्लियर और एक मैंने आपको इनिक्वालिटी पढ़ाई थी किस दे स्क्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए ओपन इंटरवल तो यहां पे यही रूल लग जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन और लेस देन ए स्क्वायर दिस मीन्स एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस रूट टू टू प्लस रूट टू ये आप ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू क्लियर तो ये है इसका सही जवाब और इसके जवाब में देखिए आपने रूट टू क्लोज इंटरवल किया है और इक्वल हो ही नहीं सकता सो यू विल गेट ज़ीरो मार्क्स डन आया समझ में बेटा आज। हाँ इसको नोट कर लीजिए चलिए देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है सेट ए इज इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्सेस बिटवीन जीरो टू पाई बाई फोर एंड सेट बी इज गिवन बाय एलिमेंट टू वाई कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड एक्सेस बिटवीन जीरो टू पाए बाई फोर वट इज़ द ए इंटरसेक्शन B बी आपको ए इंटरसेक्शन B बी की वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन B बी क्या होगा अच्छा देखिए सेट ए क्या है सेट ए जो है वाई की वैल्यूज़ का कनेक्शन है किसके लिए जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो से लेके पाई बाई फोर है पाई बाई फोर ओपन है और सेट बी किसका कलेक्शन है वाई की वैल्यू उसका कॉस एक्स के लिए जिसकी वैल्यू जीरो से लेके कर पाई बाई फोर है तो बेस्ट मेथड है इसको ग्राफिकल करने का ठीक है ना तो ये देखिए ये मैंने बनाया वाई एक्सेस और ये मैंने बनाया एक्स एक्सेस अब मैं दो ग्राफ एक साथ बनाऊंगा और देखूंगा दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले मैं ज़ीरो से लेके पाई बाई फोर तक के लिए ग्राफ बनाता हूँ किसका साइन एक्स का तो ये देखिए मैं एक काम किया मैंने मैंने जीरो से लेके पाई तक का बना दिया जीरो से लेके पाई यानी वन एट्टी डिग्री तो यहाँ पर बीच में क्या होगा पाई बाई टू होगा ठीक है बच्चों क्लियर है हाँ अब देखिए अगला क्या है वाई इक्वल टू कॉस एक्स तो ये बेटा वन होता है साइन की हाईएस्ट वैल्यू अब यदि मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो देखिए कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा ये कॉस एक्स का ग्राफ कॉस जीरो इक्वल टू वन शुरू होता है अब पाई बाई टू पे जीरो हो जाता है तो दो ग्राफ यहाँ पे मेरे साथ सामने बने हुए हैं ये जो ग्राफ है रेड कलर का ये किसका ग्राफ है ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है आपका तो ये किसका ग्राफ है भाई ये है y इक्वल टू साइन एक्स का आप ध्यान से देखिए दोनों ग्राफ कॉमन वैल्यू किस पॉइंट पर दे रहे हैं इस पॉइंट पर दे रहे हैं और ये पॉइंट कहलाता है पाई बाई फोर क्यों क्योंकि आपको पता है कि साइन पाई बाई फोर भी होता है वन बाई रूट टू और कॉस पाई बाई फोर भी होता है वन बाई रूट टू मतलब दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पे कॉमन होती है वन बाई रूट टू बट हमको पाई बाई फोर को टच नहीं करना है क्योंकि पाई बाई फोर पर ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे बबल लगेगा अब बताइए जीरो से पाए बाई फोर पर क्या दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर टच कर रहे हैं हेलो नहीं 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 कर रहे हैं मतलब जीरो से पाई बाई फोर में इनकी कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फाइव क्लियर है तो चेक करते हैं इसका आंसर बिल्कुल सही सेकेंड आंसर है इसका फाइव क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर नहीं रहे हैं और जब टच नहीं करेंगे तो कोई कॉमन सोल्यूशन होगा नहीं हाँ अगर यहाँ पे कह देता कि पाई बाई फोर क्लोज़ कर देता तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी उस समय पे कितना जाता बताइए बेटा उस समय पे इंटरसेक्शन भी रहा? कितना जाता ते कम कम ते क्या हो रहा ए, जब पाई बाई फोर को इक्वल इक्वल लगा होता है यहाँ पे तो उस समय आपके पास बताइए इंटरसेक्शन भी कितना जाता बताइए बताइए फाइव अरे भाई पाई बाई फोर जिस समय होता तो उस समय साइन पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर की कॉमन वैल्यू वन बाई रूट टू मिलती ना तो उन समय आंसर कितना आता वन बाई रूट टू ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा वन बाई रूट टू मतलब तब होता जब ये इक्वल होता अभी इक्वल नहीं है तो आंसर फाइ है है ना Yes. समझ में आया कि नहीं आया हाँ क्योंकि भाई अगर आप अलग अलग भी लिख के देख लो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स तो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स तो बेटा x इक्वल टू पाई बाई फोर पर ये भी साइन पाई बाई फोर होगा दैट इज इक्वल टू वन बाई रूट टू और x कॉस पाई बाई फोर भी वन बाय रूट टू होगा बोले क्लियर कि नॉट क्लियर तो ये ए है ये बी है दोनों की वैल्यू पाई बाई फोर पर कितनी मिल रही है वन बाई रूट टू ठीक है ना तो तब होता जब इसको कंटेन करता बट अभी इस क्वेश्चन में इसने इसको इंक्लूड नहीं किया है सो आवर आंसर इज फाइ क्लियर एनी प्रॉब्लम बच्चों चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देखिए ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ए इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स मतलब कुल मिला के आपको वन माइनस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ठीक है ना तो आप वन माइनस साइन एक्स का रेंज निकालने की कोशिश करिए कि वन माइनस साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा तो वहीं पर आपको पता चल जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप सबसे पहले साइन एक्स पे जाइए इन का क्वेश्चन है यू you नो know कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है माइनस वन से लेके प्लस वन तक रहता कि नहीं रहता बेटा अब आपको धीरे धीरे क्या बनाना है अभी आपके पास साइन एक्स है फिर आपको बनाना है माइनस साइन एक्स और फिर आपको बनाना है वन माइनस साइन एक्स तो सबसे पहले साइन एक्स है अब माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जैसे ही आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा माइनस वन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ शोर तो इसको आप अच्छे से क्या लिख सकते हो कि माइनस साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है एंड अगेन प्लस वन से छोटी है हाँ या ना? मतलब ये ऐसा था ना ग्रेटर का निशान तो इसको ऐसा लिखे अपन ने अब हमें क्या चाहिए बेटा वन ऐड करना है इस चीज़ को तो पूरे में वन ऐड कर दीजिए तो माइनस वन प्लस वन और ये कितना हो जाएगा प्लस वन ऐड कर दिया तो वन आ गया आ गया वन माइनस साइन एक्स और ये वन प्लस वन वोटो क्लियर हुआ बेटा हेलो हाँ तो माइनस वन प्लस वन कितना हो गया बेटा जीरो ये मेरे पास क्या था वाई था और ये क्या था मेरे पास टू है ओके सो वाई इज़ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू टू तो आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो so, बताइए जीरो आएगी कि टू आएगी टू ओके तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी टू ए सॉरी ए था क्वेश्चन में वाई नहीं था ए था सो दिस इज़ ए बिकॉज ए इज इक्वल टू गिवेन वन माइनस साइन एक्स तो ये वन माइनस साइन एक्स ए बन चुका है सो दिस इज ए क्लियर बेटा देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको कहा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना सबसे पहले आपको क्या दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये आपको फंक्शन दिया गया है कल मैंने आपको बताया था इन्वर्स फंक्शन की थ्योरी क्या होती है इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई तो एक्स को सेपरेट करने पर जो वाई की टर्म में फंक्शन बनता है वो वाई का इनवर्स फंक्शन कहलाता है और हमको यहाँ पर यही इन्वर्स फंक्शन निकालना है ठीक है ना एक्स को सेपरेट करने पर अकेले एक्स बचा लेने पर जो फंक्शन बनेगा वो इन्वर्स फंक्शन किसका होगा बेटा वाई का बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है तो सबसे पहले मैं इसको वाई लिखता हूँ और यहाँ से एक्स को निकालने की कोशिश करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ठीक है बेटा Uh, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी तो b के फॉर्म में मुझे वन अपॉइन्ट टू बना सकता हूँ मैं बोलो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी क्योंकि टू से टू लॉजिकली कैंसिल हो जाएगा तो एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बोलो यस yes. समझ नहीं आएगा हाँ देखिए आप हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है ठीक है मुझे एक्स का सिंगल टर्म बनाने के लिए मुझे इसे होल स्क्वायर बनाना है ओके तो ये ए का स्क्वायर मैं समझूं तो ए का स्क्वाइनस टू मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया ए की जगह एक्स है तो बी की जगह हिसाब बराबर करने के लिए टू का डिवाइड करना पड़ेगा तो वन बाई टू हो गया बोलो एसकी नो लॉजिकली टू से टू कैंसिल होकर एक्स ही तो बच रहा है ना तो मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है है ना टू के मल्टीप्लाई डिवाइड से अभी क्लियर हुआ हाँ प्लस बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर कितना है वन बाई टू का होल स्क्वायर तो जो चीज़ ऐड करेंगे उसको माइनस भी करेंगे तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर और प्लस का वन बताइए ये एक्सप्रेशन पूरी समझ में आई आपको कि नहीं आई हाँ क्या क्या किया टू का मल्टीप्लाई डिवाइड किया और बी के फॉर्म में वन बाई टू मिल गया तो वन बाई टू स्क्वायर का प्लस किया एक बार सब्ट्रैक किया और एक बार प्लस वन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा कि नहीं बन रहा बेटा नहीं बन रहा क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस वन बाई फोर प्लस वन ठीक है तो इसको सॉल्व करता हूँ आगे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ हैं तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर बाई फोर तो कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर ठीक है शोर वाई माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर डन सो स्क्वायर हटाइए एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई फोर क्लियर अब एक्स को रोक लीजिए यहाँ पे तो वन बाई टू यहाँ आ जाएगा तो वन बाई टू माइनस है तो प्लस करके जाएगा प्लस वाई माइनस थ्री बाई फोर ओके और रूट हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है तो यहाँ प्लस और माइनस आ जाएगा आया समझ में कि नहीं आया चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई और कर सकते हैं वन बाई टू प्लस माइनस फोर बाई माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू एक्स है ना तो आप चाहो तो टू कॉमन ले लो तो वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर वाई माइनस थ्री इधर भी टू है इधर भी टू है इक्वल टू एक्स तो वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर वाई माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू एक्स और आपको पता है कि मैंने बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो x को हम क्या लिखते हैं इनवर्स फंक्शन y का तो दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई ठीक है ये इनवर्स फंक्शन है वाई का एंड दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस फोर बाई माइनस थ्री बाई टू चलिए चेक करें इसको एक बार हाँ ठीक है बिल्कुल देखिए वन बाई टू यहाँ पे प्लस माइनस मैंने दोनों कर दिया है रूट हटा के कोई दिक्कत नहीं है तो वन बाई टू प्लस माइनस फोर बाई माइनस थ्री बाई फोर तो ये इतना आ जाएगा बिल्कुल सही है अपना आंसर ठीक है अपन ने और अच्छे से कर रखा है क्लियर है तो जब वाई के टर्म में वाई आ रहा है तो एक्स के टर्म में एक्स आ जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री बाई टू तो ये कहला गया एफ इनवर्स एक्स एक्स की फॉर्म में इनवर्स फंक्शन फोर एक्स माइनस थ्री वाई टू बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए इसको नोट करिए अच्छे से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है सेवन माइनस फोर आई अपॉन थ्री प्लस टू आई को ए प्लस आईओटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है तो इसको सीधे रेशनलाइज कर देंगे और थर्टीन माइनस ट्वेंटी सिक्स आई पॉन थर्टीन बिल्कुल सही यहाँ पे थर्टीन माइनस ट्वेंटी सिक्स आई अपॉन थर्टीन आप बस यहाँ पे थर्टीन कॉमन ले के कैंसिल कर लेकिन लेकिन देंगे हाँ तो वन माइनस टू आई उठा आ जाएगा वो है, वो है किया है सर, ओके देखो हाँ ठीक है।, है इसको तो काट क्यों, क्यों दिया आपने चलिए ठीक है तो इसमें पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है बताइए कौन सा है थर्टीन क्वेश्चन नंबर टेन है सर क्वेश्चन नंबर टेन, ओके यस सॉल्व द इनिक्वालिटी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो दो चीज़ों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है देखते हैं आपने कैसे किया है तो एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो ओके फॉर एक्स माइनस थ्री इज लेस दैन जीरो एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो हम्म आपने इंटरवल फाइनली लिखा नहीं इसमें तो समझ नहीं आ आज लिखना कैसे इतना लिखा बस चलिए ये मेथड आपका बिल्कुल गलत है ठीक है देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन कल हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्लास में बताया था और ये भी तकरीबन वैसे वैसे ही करना है को। देखिए कैसे सॉल्व होगा आपके सामने दिया गया है एक प्रोडक्ट फंक्शन है इन्हें क्वालिटी दी गई है x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो आप जानते हैं ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए ज़ीरो से बड़ा क्या होता है पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव तो बेटा किसी दो चीज़ों के प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने के दो तरीके हैं या तो वो दोनों पॉजिटिव हों या वो दोनों क्या हों नेगेटिव हों क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है इक्वालिटी है नहीं इसलिए हम इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते हैं दोनों ही प्लस लेंगे तो यहाँ पर हमारे दो केस बनेंगे केस नंबर फर्स्ट पहला केस बनेगा एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड मैं भी पॉजिटिव हूँ और तुम भी पॉजिटिव हो एंड एक्स माइनस थ्री इज ऑल्सो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन ज़ीरो सो एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड एक्स इज ग्रेटर देन थ्री क्लियर क्लियर तो एक्स टू से बड़ा एक्स थ्री से बड़ा तो आइए कंडीशन मैच कराते हैं ये पहले यहाँ पे टू बनेगा ओपन यहाँ पे थ्री बनेगा ओपन नाउ टू से भी बड़ा और यहाँ थ्री से भी बड़ा तो बताइए बेटा कॉमन इंटरवल क्या बनेगा थ्री टू इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा यस बनेगा। yes, तो पहला इंटरवल है थ्री टू इंफाइट पहला केस हो गया अब सेकेंड केस करते हैं केस टू केस टू है आपके पास में दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो x माइनस टू इज लेस देन जीरो एंड x माइनस थ्री इज लेस देन ज़ीरो दोनों नेगेटिव सो x इज़ लेस देन टू एंड x इज लेस देन थ्री मतलब दो से भी छोटा और तीन से भी छोटा तो देखिए दो से भी छोटा होगा और तीन से भी छोटा तो बताइए शोर कॉमन इंटरवल क्या बनेगा दो से छोटा कि तीन से छोटा माइनस तो टू वेरी गुड तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू टू तो यहाँ पे दो इंटरवल हमारे पास आ रहे हैं एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है पहले कौन सा आएगा नेगेटिव वाला बाद में आएगा पॉजिटिव वाला तो मैं लिखूँगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू और जब हम दो सेट को जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं यूनियन थ्री टू इंफाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं ठीक है माइनस इंफिनिटी टू टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा यस यस तो इसका आंसर है ये देखिए बिल्कुल सही है माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा बताइए फिफ्टीन थर्टीन नहीं है क्या अच्छा मैंने नहीं किया मैंने किया थर्टीन आपने नहीं किया नहीं ओहो चलिए देखिए थर्टीन क्वेश्चन थोड़ा हटके है बट इतना भी नहीं है दिक्कत कि आप ना कर सकें सिंपल टाइप का क्वेश्चन है देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स और फाइव एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स तो आपसे बोल रहा है कि फाई पाई बाई ट्वेल्व ओके तो सबसे पहले आपको फाई की वैल्यू निकालनी है पाई बाई ट्वेल्व पे तो आप फाइव एक्स लिख लीजिए तो फाई एक्स क्या है आपके पास में साइन टू एक्स है तो फाई पाई बाई ट्वेल्व कितना हो जाएगा क्योंकि एक्स की जगह जब थी एक्स आता था तो पाई बाई ट्वेल्व मतलब साइन टू एक्स की जगह में पाई बाई ट्वेल्व तो टू से ट्वेल्व कैंसिल कर देंगे सिक्स टाइम क्या बच गया साइन पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई सिक्स मतलब साइन थर्टी डिग्री एंड साइन थर्टी इक्वल टू वन बाई टू क्लियर की नॉट क्लियर बेटा अब हमको निकालना है हमने अभी कहा निकाला है फाइव पाई बाई ट्वेल्व तो अब फाइव पाई बाई ट्वेल्व हमारे पास कितना आ चुका है वन बाई टू जो फाइव ऑफ पाई बाई ट्वेल्व है ये हमारे पास आ चुका है वन बाई टू और इस वन बाई टू की वैल्यू हमको किसके अंदर रखनी है एफ़ के अंदर मतलब हमें एफ़ के अंदर में वैल्यू पुट करनी है फाई ऑफ पाई बाई ट्वेल्व की मतलब एफ़ के अंदर में फाई ऑफ़ पाई बाई ट्वेल्व हमारे पास कितना आया है वन बाई टू तो हमें निकालना है एफ़ ऑफ वन बाई टू तो एफ़ एक्स कितना दे रखा आपके पास में एफ़ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स हाँ तो एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स तो एफ वन बाई टू बन जाएगा वन बाई टू का होल क्यूब माइनस एक्स मतलब वन बाई टू सो दिस विल बी वन बाई एट माइनस वन बाई टू टेकिंग एल्शियम एट विल बी हेयर वन माइनस टू फोर जा एट Mm, बिल्कुल सही माइनस थ्री बाई एट चेक करते हैं आंसर्स इलेवन यस थर्टीन का आंसर माइनस थ्री बाई एट समझ में आया क्लियर है बेटे एकदम पहले भाई फाइव फाइव फंक्शन निकाल लो पाई बाई ट्वेल्व पर और उसको जो निकाले हो f में पुट कर दो ठीक है ये बेटा किसका क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर का ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन टेन ए इक्वल टू एम ऑफ एम प्लस वन टेन बी इक्वल टू टू एम प्लस वन देन शो दैट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू वन बना आपसे से कि नहीं बनाइए हलो बेटा बना आपसे से ये फोर्टीन फोर्टीन हाँ नहीं सौ नहीं बना देखिए फोर्टीन क्वेश्चन आपने यदि छोड़ा है तो क्यों छोड़ दिया भाई देखिए आपके पास टेन ए दिया है टन बी दिया है और क्योंकि यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी दिया है ठीक है ना तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से आप जानते हैं कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ठीक है यहाँ पर पुट कर दीजिए और इस वैल्यू को पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व होने पर वन आ रही है ठीक है इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी आ रही है वन आ, आ रही है समझ में आया बेटा आपको देखिए क्या किया एक बार फिर से बता देता हूं आपको टेन दिया हुआ है आपको टेन भी दिया हुआ है आपको टेन और टेन भी दिया हुआ है जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई है वन आ गई है मतलब टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू आपको वन मिल गया क्लियर कि नॉट क्लियर अब टेन ए प्लस बी इक्वल टू वन मिल गया है तो इसकी वैल्यू वापस रिप्लेस करिए तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन टू अब ये देखिए आप इस चीज़ को इधर ले जाइए तो टेन ए प्लस टेन बी एक्ल टू वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी अब आप इसको लेफ्ट साइड लीए सो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू वन मिल जाएगा यही प्रूफ करना था मेन मेहनत इसमें क्या थी पता टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू डाल करके इसको वन ले करके आना सॉल्व करके क्लियर की नॉट क्लियर बस एक बार वो वन मिल जाता तो हम कंपैरिजन कर लेते ठीक है चलिए करिए इसको जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं बच्चों इससे इजी क्वेश्चन शायद वर्ल्ड में क्या होगा कह रहा है एक फंक्शन डेट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज फॉलोज इफ़ एक्सेज बिलोंग्स टू क्यू अब क्यूँ आपको पता होना चाहिए क्यूँ क्या होता है रेशनल नंबर तो अगर एक्स q है यानी कि रेशनल नंबर है तो आउटपुट वन आता है और x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू q मतलब q नहीं रेशनल नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है इ रेशनल होगा तो आउटपुट कितना आता है माइनस वन तो आइए देखते हैं हमको तीन वैल्यू निकालनी है पहला है एप रूट थ्री तो यहाँ पे x की जगह रूट थ्री है और रूट थ्री क्या है रेशनल तो इ रेशनल के लिए आंसर क्या दे रखा है माइनस वन दूसरा एफ़ थ्री तो यहाँ पे x की जगह इनपुट क्या है रेशनल है थ्री इज़ रेशनल नंबर आंसर कितना आएगा वन नेक्स्ट एफ अंडर रूट थ्री प्लस वन तो भैया अंडर रूट थ्री प्लस वन कितना होगा अंडर रूट फोर होगा और अंडर रूट फोर मतलब एफ ऑफ टू और टू इज़ अ रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर पर आउटपुट कितना होगा वन होगा क्योंकि रेशनल पर वन है तो इसका करेक्ट आंसर पहले का आएगा माइनस वन दूसरे का आएगा प्लस वन और तीसरे का आएगा प्लस वन क्लियर क्लियर क्लियर? हुआ? की नॉट देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसमें क्या कह है प्रूव दैट द इक्वेशन साइन वन बाई एक्स ठीक ना एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इम्पॉसिबल इफ एक्स इज रियल तो आपको बताना है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स जो होगा इम्पॉसिबल होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसे दिया है कि आप उस तक पहुंच ना पाए और कुछ नहीं है तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल वन अपॉन एक्स हो गया इसको यहाँ जल दीजिए तो ये हो गया एक्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो बताइए क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है कहाँ सर कहाँ सर हाँ सर ओके साइन थीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो क्लियर कि नॉट क्लियर यस सर okay. yes, चलिए ठीक है ये अब हम जानते हैं कह रहा है एक्स रियल होने के लिए कह रहा है एक्स रियल नहीं हो सकता है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा कि इसकी एक्स की वैल्यू रियल होगी या नहीं होगी तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से तो ए की वैल्यू यहाँ पे श्योर कितनी है ए की वैल्यू सर वन है बी की वैल्यू कितनी है बेटा साइन थीटा। यहीं पर गलती कर रहे देते हो बेटा माइनस साइन थीटा है माइनस साइन। हाँ वही और सी की वैल्यू बेटा वन है और अब हम जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो देखिए बी का स्क्वायर मतलब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन टू वन तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर ओके अब आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन से प्लस वन होती है बोलिए हाँ है ना yes. तो बेटा अगर साइन स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा माइनस वन का स्क्वायर भी वन हो जाएगा और वन का स्क्वायर भी वन हो जाएगा तो बीच में जीरो पड़ेगा तो सबसे छोटी वैल्यू जीरो पे सेट हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन पे बोलिए हाँ है ना तो मतलब जो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटर की आ रही है वो कहाँ से कहाँ आ रही है जीरो टू वन आ रही है, आ रही है? और माइनस फोर करोगे तो आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होती है इसका मतलब कितने रियल रूट नो no रियल रूट यस और नो हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए नो रियल रूट तो ये है इस क्वेश्चन का सलूशन कि कोई रियल रूट नहीं होगा डन चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स दो फंक्शन दिए गए हैं एक फै एफ एक्स है और दूसरा फाइव एक्स है दोनों को रिलेट कराना है और डोमेन निकालनी है जिसमें ये फंक्शन इसके इक्वल होगा तो एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड फाइव एक्स इक्वल टू सेवन एक्स माइनस वन तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सेवन एक्स माइनस वन ऐसा करके इक्वेशन बन गया सॉल्व करने पर एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री तो जो डोमेन बनेगी वो दो इनपुट के लिए ही वैलिड है टू कामा वन बाई थ्री सॉरी वन बाई थ्री पहले आएगा और टू बाद में आएगा तो करेक्ट आंसर इज़ वन बाई थ्री कामा टू ओके फिर भी आपके यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे तीन में से आपको दो मार्क्स ही मिलेंगे बिकॉज डोमेन हमेशा सेट होता है तो आपको वन बाई थ्री कामा टू देना था और आपने यहाँ पे तो गलती कर ही दी इंटरवल बना दिया आपने देखिए पॉइंट सेट है ये कुछ ही पॉइंट है इसमें और आपने तो इंटरवल बना दिया वन बाई थ्री से टू में तो इन्फेनाइट पॉइंट बैठे होंगे बहुत गलत कर दिया ठीक है न हाँ बाकी यहाँ तक का मेथड सही है क्लियर हाँ एक चीज़ और गलती करी आपने यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखा आपने कंपेयर कराने के बाद ज़ीरो लिखना पड़ेगा ठीक है अच्छा नहीं नहीं तो कुछ मार्क्स आपके यहाँ भी कटेंगे वन पॉइंट फाइव मिलेगा आपको तो छोटी छोटी गलती से मैथ्स के टीचर्स मार्क्स काटने में देर नहीं लगाते हैं उनका काम है मार्क्स काटना इसे पूरा लिखेंगे एग्जाम में डन बेटा चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर्टीन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस फिफ्टीन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा केवल एक काम आपको इसमें करना है दोनों तरफ आपको कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर देना है मतलब लेफ्ट में भी और राइट right में भी और जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन टेन स्क्वायर एक्स में और टेन एक्स में चला जाएगा मतलब पूरा क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा किस में टेन स्क्वायर एक्स में और आप थोड़ी देर के लिए टेन एक्स को कुछ मान लें जेड मान लें वाई मान लें टी मान लें और सॉल्व कर लें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो चलिए देखिए इसका सोलूशन ये देखिए ये क्वेश्चन है तो आपके पास में क्या है ये क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फिफ्टी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो यहां पर एक थोड़ा सा काम आपको और करना है टेन स्क्वायर एक्स का तो डिवाइड मैं करवाऊंगा आपसे बट यहां पे आपको थोड़ा सा काम और करना है देखिए क्या करेंगे आप जो 26 सिक्स साइनस ट्वेंटी को 26 सिक्स इंटू वन समझिए ओके और 26 सिक्स इंटू वन के बाद वन को एज अ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि टूट करके ट्वेंटी सिक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा अब ट्वेंटी सिक्स साइन स्क्वायर एक्स को आप लेफ्ट में लाएंगे तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा ट्वेंटी फोर साइन स्क्वायर एक्स ट्वेंटी सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में लाएंगे तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स कितना बन जाएगा ट्वेंटी फोर कॉस स्क्वायर एक्स और 14 साइन एक्स कॉस एक्स पहले से ही बैठा हुआ है तो ये इक्वेशन बन गई हमारी ओके माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बन गई अब आपको क्या करना है डिवाइड बूथ साइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स से आपने डिवाइड किया तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे जवाब तो एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा ये बन जाएगा माइनस फोर्टीन टेन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर के माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो क्लियर की नॉट क्लियर अब ये देखिए टेन स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है टेन एक्स में हाँ तो इसको आप टेन एक्स में इक्वेशन मान लें या थोड़े समय के लिए टेन एक्स को आप जेड यदि मान लें तो इक्वेशन क्या बनेगा ट्वेंटी फोर जेड स्क्वायर माइनस फोर्टीन जेड माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो तो जेड इक्वल टू ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए क्लियर की नॉट क्लियर बेटा और फाइनली जब आ जाएगा तो जेड की जगह टेन एक्स पुट कर दीजिए तो आपके पास टेन एक्स की दो वैल्यू आ गई क्लियर की नॉट क्लियर